इस वक्त भी बड़ी खबर है, बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने ईरान के पहलवान मुर्तजा को पटकनी दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अब बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में जीते तो एक मेडल पक्का हो जाएगा। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पुनिया ने ईरान के खिलाड़ी मुर्तजा को पटकनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वार्टर फाइनल में बजरंग पुनिया ने जीत दर्ज की है। एक घंटे में दूसरी जीत बजरंग पुनिया की। इससे पहले उन्होंने किर्गिस्तान के पहलवान को पटकनी दी और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अब क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ईरान के पहलवान मुर्तजा को पटकनी देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में जीते तो मेडल पक्का हो जाएगा। ईरान के पहलवान मुर्तजा को पटकनी दी है बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में। ये बड़ा परिणाम सामने आया है। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी हैं और इसलिए मेडल की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मदिया खान हमारे साथ उनके घर से सीधे जुड़ गई हैं। मदिया, घर में खुशी का माहौल, दूसरा मुकाबला जीता एक घंटे के भीतर बजरंग पुनिया ने। मदिया आपको आवाज मिल रही है? मदिया तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही हमारी, हम कोशिश करेंगे। मदिया आपको आवाज मिल रही है तो घर का माहौल दिखाइए, क्या माहौल है? एक घंटे के भीतर दूसरा मुकाबला बजरंग पुनिया ने जीता है। इस वक्त यहाँ पर जो माहौल है वो आपको देखना चाहिए कि क्या जबरदस्त माहौल इस वक्त बजरंग के घर के अंदर। आप देखिए जरा, खुशी का माहौल है और तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे यहाँ पर जितने भी परिवार वाले हैं वो खुशी मना रहे हैं। जरा अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जो बजरंग की माता जी हैं, पिताजी हैं, वो जो है बाहर की तरफ ही आ रहे हैं। अभी कमरे से उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बेहद ही खुशी का माहौल, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए आज बजरंग का जो मुकाबला था वो बेहद ही रोमांचक था। और जरा देखिए तस्वीरें, मैं चाहूंगी कि अंदर की तस्वीरें जरा दिखाई जाए कि कैसे उनके माता जी और पिताजी के चेहरे पर इस वक्त खुशी का, देखिए जरा क्या चमक है इस वक्त माता जी के चेहरे पर, कितनी खुश नजर आ रही है इस वक्त माता जी। माता जी क्या कहेंगी? देखा ना, बहुत खुशी से हमारा खंडवाड़ा नाचेगा। बेहद रोमांचक मुकाबला था, क्या कहेंगी? बहुत बढ़िया लग गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे लग गया इससे आगे, ठीक है ना, इससे आगे ऐसे लग गया, बहुत बढ़िया लग गया। देश का शेर बेटा वहाँ पर मुकाबला जीतने की उम्मीद है। बजरंग बली है, सब दुश्मन नहीं तोड़ दे है। आप देखिए जरा माता जी के चेहरे पे क्या खुशी इस वक्त नजर आ रही है। माता जी बेहद खुश है, यही खुशी जो है परिवार, बाकी परिवार वाले जो है उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो मुकाबला था वो बेहद ही रोमांचक था और जो उम्मीदें हैं परिवार वालों की वो ज्यादा बढ़ गई है। तो मदिया रिपोर्ट दे रही थी, जो उनकी माँ ने कहा, बजरंग पुनिया की माँ ने कहा कि बजरंग बली हैं, तोड़ दुश्मन की नली हैं। तो इस तरह से जो खुशी थी उन्होंने अपनी जाहिर की। और देखिए आज अजरबैजान के खिलाड़ी से उनका शाम को ही सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, तो एक दिन के भीतर तीसरी जीत दर्ज करने का बजरंग पुनिया के पास मौका है। पहले दौर में किर्गिस्तान के पहलवान को हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, एक घंटे के भीतर दूसरा मुकाबला हुआ, क्वार्टर फाइनल में ईरान के रेसलर को मुर्तजा को पटकनी दी। और इसी मुकाबले में पहले हिस्से में 1-0 से पीछे थे बजरंग, लेकिन आखिरी के चंद मिनटों में उन्होंने पटकनी दी और ईरान के मुर्तजा को चित कर दिया और अब सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया का मुकाबला अजरबैजान के खिलाड़ी के साथ शाम को होगा, अजरबैजान के पहलवान के साथ आज शाम को होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक से अजरबैजान के खिलाड़ी के साथ शाम को मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में अगर जीते बजरंग पुनिया तो फिर एक मेडल पक्का है। तो इस वक्त ओलंपिक से लगातार सुबह से जीत की खबरें आ रही हैं। हॉकी को अगर छोड़ भी दें, हॉकी में भले ही मैच हार गए हो, दिल ज़रूर जीता, लेकिन बजरंग पुनिया ने लगातार एक घंटे के भीतर दो जीत दर्ज करके अब मेडल की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ा दी है। ABP News आपको रखे आगे।